हमीरपुर शहर में नशे का व्यापार कर रहे ऊना जिला के एक युवक को पुलिस ने धर दबोचा है और युवक शहर के बीचों बीच एक धर्मशाला में कमरे से नशे का व्यापार चला रहा था। जानकारी के अनुसार जिला ऊना के दिनेश कुमार उर्फ लटकी निवासी गांव परोली का है, जिसके पास से पुलिस ने 2.95 ग्राम चरस बरामद की है और 37,000 रुपए कैश भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी युवक कई दिनों से हमीरपुर में घूमकर चरस बेचने का काम कर रहा था, जिसे अब गिरफ्तार किया गया है। एसपी हमीरपुर रमन कुमार मीणा ने कहा कि आरोपी युवक दिनेश कुमार को शहर की एक धर्मशाला से पकड़ा गया है और यह युवक कुछ दिनों से चरस का धंधा कर रहा था। उन्होंने बताया कि युवक 2 साल पहले भी चरस के साथ पकड़ा गया था। उन्होंने बताया कि युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जिस व्यक्ति को हमने पकड़ा वो बंगाणा निवासी दिनेश उसका नाम है। पहले भी इस पर एक मुकदमा हुआ जिसमें 16 ग्राम इसके पास इसमें पकड़ी गई थी। अभी इसके पास जो क्वांटिटी मिली है वो 2.5 ग्राम है और पुलिस इस पर केस बना रही है और देख रहे हैं कि इसका सोर्स कहाँ से है। जो अभी तक ये सूचना है वो उस हिसाब से ये सामने आया कि बाहरी राज्यों से ये लोग मंगवाते हैं स्मैक, ये खुद लेके आते हैं यहाँ पर छोटी छोटी क्वांटिटीज में युवा और कुलल चाके और उनमें ये चलन बढ़ा रहे हैं और ये कारोबार फैलाने की कोशिश में लगे हैं। इसके बाद से 37,000 रुपये नकद मिले हैं, जो कि ये कोई अभी संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा है। इसका कहना है कि ये पैसे उसके अपने हैं, लेकिन जो पुलिस को लग रहा है वो ये है कि इसने जो स्मैक है वो बेच के या किसी और सोर्स से इसने वो पैसे इलीगल सोर्स से कमाए।